भाई बनता है वो इस काबिल थे, क्योंकि बनू से कुछ कुछ ऐसे क्लिप सुन के आ रहे हैं जिनमें देखा जाता है कि उनके जो मुलाजिम थे उनके साथ उनका बिहेव मुलाजमों वाला नहीं था, उनको वो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ये उनके अपने भाई बहन है। यार, ही वॉज लेजेंड, ट्रस्ट मी, वो हमें अपने भाई बहनों जैसा कंसिडर करता। उस बंदे ने हमसे कमिटमेंट की, मैं आपको बताऊं, जी जी उसने हमसे कमिटमेंट की कि मैं आपको ना 4 महीने की क्लासेस दूंगा, 3 महीने की क्लासेस दूंगा, या इस आईआर और पंजाबी सीएसएस की पढ़ाऊंगा। इस दौरान उनका बाजू टूट गया। अब ही वॉज सीएसपी, हम उसका उनका क्या कर लेते। उस दौरान जितनी उनकी क्लासेस स्किप हुई, ही टुक द क्लासेस आफ्टर हिज रिकवरी। जी जी तो इतना कमिटेड बंदा हमारे लिए तो वो लेजेंड था ना यार। जाहिर सी बात है। अच्छा मोहसिन भाई ये बताएं, पाशा साहब के साथ आपका रिलेशन कैसा था? आपको पढ़ाते थे तो वो कैसी तबीयत के मालिक थे, कैसा बिहेव था उनका आप लोगों के साथ? यार अगर हम देखें ना, हम अजीब लोग हैं, हम उनको ना क्रॉनिक डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं उनको क्रॉनिक डिप्रेशन था हाँ, ये भी कुछ बातें हो रही हैं। ये, ठीक है। हम लोग इस तरह की रूमर्स कर रहे हैं यार। अगर पाशा साहब जैसे बैलेंस्ड बंदे के को क्रॉनिक डिप्रेशन था, तो आप लोगों का पता है हीरो कौन है? पोला रिकॉर्ड आप लोगों का हीरो है। आप लोगों का शाहद जट है लड़का जो गालियां देता, वो आप लोगों का हीरो है। अब क्रॉनिक डिप्रेशन एक ऐसे बंदे को था, जब वो पंजाबी पढ़ाता था तो ठोस पंजाबी बोलता था, ऐसी ठेठ पंजाबी बोलता था कि पंजाबी वाले परेशान हो जाते थे। जब वो यूएस हिस्ट्री पढ़ाता था तो ऐसी पढ़ाता था कि भाईजन अब अपना खानदान तक बता देता था, वो यूएस प्रेसिडेंट्स के और उनकी नस्लें तक बता देता था। अगर वो बंदा भी मेंटली इल था, सिक था, तो भाई आप लेजेंड हैं। आप एज ए नेशन भाई बहुत ही आगे के लोग हैं कि क्या बात, इतने इंटेलेक्चुअल बंदे को आप लोग सिख बोल रहे हो, और जो है ना प्रमोट आप किन लोगों को कर रहे हो, जो लोग जिनका कैलेबर गालियों और छितरों और बकवास के अलावा कुछ है ही नहीं भाई। मेरा नहीं ख्याल। और एज पर योर क्वेश्चन मैट्रिक्स, तो यार ही वॉज वेरी वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी। होता है ना, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाई में लड़कियों पे कोई बात मार देते हैं, वो जी जी लड़कों को बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं। यार मेरे कैरियर के अंदर जो हमारा उनका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ, सेशन एंड होने के बाद भी लोगों का उनके उनके साथ इंटरेक्शन होता रहा, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने इतना बैलेंस रह के हमें पढ़ाया हो। जी वो जी बिल्कुल बैलेंस्ड बंदा था यार। कि ना उनको पता था कि मैंने दोस्त रह के टीचर अपने आप को प्रूफ कैसे करना है। तो अब मैं अगर यकीन करें, फौत होने के बाद नहीं, जब वो थे तभी हम यही डिस्कशन किया करते थे यार, व्हाट अ जेंटलमैन ट्रूली। जी। हाँ।